हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं DL Ed फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज संख्या का संख्यांक बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानिमान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं और रोमन संख्या के बारे में बात करते हैं। तो रोमन संख्या के बारे में बात करते हैं, रोमन संख्या एक चिन्ह टाइप होता है। उसके लिए हम जैसे आपको बता रहे हैं कि एक लिखने के लिए हमें ऐसे एक लिखा जाता है, दो लिखने के लिए दो बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ये दो हो गया, तीन के लिए तीन बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चार के लिए हम प्रयोग करते हैं, पाँच के लिए हम, छः के लिए प्रयोग करते हैं, सात के लिए, आठ के लिए, ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी चिन्ह का 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इस तीन लिखेंगे तो 3 बार से अधिक इसको नहीं लिख पाएंगे किसी भी चिन्ह को। या यक्ष 10 होता है तो हम यक्ष को 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर हम यल, अगर हमको 50 लिखना हो तो हम यल से डिनोट करते हैं उसको। अगर हमें 500 लिखना हो तो हम इसको D से डिनोट करते हैं, तथा अगर हमें 1000 लिखना हो तो हम इसको M से डिनोट करते हैं, तथा C लिखना हो तो हम इसे 100 से डिनोट करते हैं। तो हम इसमें V, L और D जो है, जो ये मान है V जो है, इसको L को और D को 3 बार कभी नहीं लिखते हैं। तीन बार हम इसको कभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आप समझिए इसको कि अगर हमें जैसे हम लिख दे रहे हैं एक एक लिखना, तो हम एक ऐसे लिखेंगे, दो तो दो दो बार लिखा जाएगा, तीन तो तीन तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर चार हमें लिखना होगा तो हम एक इधर और इधर चार ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पाँच को हम लिखते हैं ऐसे, तो चार लिखने के लिए हमें एक घटाने टाइप होगा। अगर पहले लिख देंगे तो किसी संख्या में से घट जाएगा। जैसे अब 9 लिखना होगा तो क्या करेंगे, एक पहले लिखेंगे, और आप जानते हैं कि 10 को यक्ष से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ यक्ष लिख देंगे तो ये 9 को डिनोट करेगा। इसी तरह हम और संख्याओं को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो आपको 80 लिखना होगा, 80 लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 50 लिखेंगे, तो 50 को डिनोट करते हैं हम भी, तो भी से हमारा 50 हो गया, और 30 और चाहिए तो भी एक्स 10 20 और 30, तो 80 हम इस तरह लिख पाएंगे। तो 80 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भी एक्स 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 लिखा जाएगा। इसी तरह और संख्याओं के बारे में हम देख लेते हैं कि और संख्याएं कैसे लिखी जाएंगी। मान लीजिए आपको दे दिया कि 1000 लिखना है, तो 1000 कैसे लिखेंगे आप, 1000 के लिए एक चिन्ह है यम, आप याद कर सकते हैं। 500 के लिए चिन्ह होता है D, और C होता है 100 के लिए। अगर आपको 101 लिखना हो, अगर संख्या 101 दे दी हो तो C और एक जुड़ जाएगा, 101 हो जाएगा। इसी तरह संख्या आप देख सकते हैं। और बात करते हैं स्थानी मान की, स्थानी मान की बात करते हैं तो अंकों का स्थानी मान कैसे ज्ञात किया जाता है। अंकों का स्थानी मान उसका स्थान होता है। जैसे अगर 365 लिखा गया हो तो 5 का स्थानी मान 5 होता है, 6 का स्थानी मान 60 हो जाएगा, और इसका स्थानी मान 300 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं उसको, समझने के तरीका है कि आप देख सकते हैं जैसे 365 लिखा है तो जैसे मान लीजिए 365 लिखा हुआ है, तो जिसका स्थानी मान पूछेगा उसके इधर वाली संख्या का जितना होगा उतना जीरो लिखेंगे। जैसे अगर 3 का पूछेगा तो 3 के बाद कितने जीरो हैं, 6 और 5, तो 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। अगर
मान लीजिए छः का पूछा होता, छः का पूछेगा तो आप छः और एक जीरो पाँच वाला तो 60 हो जाएगा, पाँच का पाँच हो जाएगा। तो आप में सवाल ऐसे बनते हैं, आप में सवाल ऐसे बनते हैं इस स्थानीय मान में कि जैसे दिया हो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्थानीय मान किसी एक अंक का पूछ देगा, मान लीजिए पाँच का पूछ दिया, तो पाँच का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो पाँच और बताएं आपको कि जितनी संख्याएं रहेंगी उतना जीरो, तो इस पे उतना जीरो हो जाएगा, ये पाँच का स्थानीय मान हो जाएगा। आप में एक और सवाल बनता है, बता रहे हैं उसके, जैसे मान लीजिए पूछिए में पाँच के स्थानीय मान का योग, तो स्थानीय मान का योग तो पाँच का हो जाएगा 50, क्योंकि उसके बाद एक जीरो है, और इस पाँच के लिए हो जाएगा पाँच, दो जीरो है तो दो हो जाएगा। तो इसको स्थानीय मान का योग जोड़ना है, तो पाँच आए पाँच जुड़ के जीरो पाँच और पाँच कितना हो गया 550, ये उत्तर हो गया। ऐसे सवाल आप में बनते रहते हैं।